हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फिल्मी पकोड़ा। तो दोस्तों, एक बहुत बुरी खबर निकल के आ रही है बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से। वड़ा पाव गर्ल जो कि चंद्रिका दीक्षित, उनको अरेस्ट किया जा सकता है। मतलब अभी फिक्स नहीं है, देखते हैं क्या क्या नहीं है। तो बिना किसी तरीके शुरू करता है रिएक्शन वीडियो। एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है ओटीटी 3 की खिलाड़ी वड़ा पाव गर्ल के बारे में। इनको हो सकती है जेल, इनके नाम से हो चुके FIR। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इन दिनों ओटीटी 3 के अंदर चंद्रिका यानी कि वड़ा पाव गर्ल खेल रही है, और किस तरह से खेल रही है वो भी आप सभी को बताऊंगा। लेकिन इसी के बीच आप बता दूं, इनके नाम से हो चुके FIR दर्ज, कंप्लेंट दर्ज। अगर FIR के अंदर सही सही निकला तो हो सकती है इनकी दुकान बंद, हो सकती है जेल। अब किसने FIR दर्ज किया और क्यों, मैं आपको सारी डिटेल दे देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे इस तरह के लाते रहता हूँ। तो फटाफट बता देता कि आखिर वड़ा पाव गर्ल के नाम से कंप्लेंट किसने किया, क्यों की। तो जैसे कि आप फैजान अंसारी को अच्छी तरह जानते होंगे, फैजान अंसारी ने वड़ा पाव गर्ल के नाम से कंप्लेंट की। लेकिन आप सोच रहे हो कि आखिर क्यों की, तो आप बता दो, फैजान अंसारी ने इनका वड़ा पाव खाया था और इनके मुताबिक, इनकी कहने के मुताबिक, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इनको एडमिट करना पड़ा था। मतलब कहने का मतलब ये कि जो वड़ा पाव गर्ल वड़ा पाव बेचती है वो खराब बेचती है, खराब फूड बेचती है, जिसकी वजह से पब्लिक को तकलीफ उठाना पड़ता है और वो बीमार होते हैं। उनका डायरेक्ट साफ साफ ये कहना, उन्होंने एक हॉस्पिटल की चिट्ठी भी शेयर करी और इसी के साथ उन्होंने एक और लेटर शेयर करा जहाँ पे इनके नाम से कंप्लेंट की, जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इनके वड़ा पाव खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी, मैं एडमिट हो चुका था। यानी कि आप सुना दो, अगर इनके वड़ा पाव के अंदर कुछ गड़बड़ निकली तो इनको जेल हो सकती है और कहने की इनको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, उनकी दुकान भी बंद हो सकती है। मतलब आप सभी को बता दूं, अभी जो चंद्रिका बिग बॉस में खेली है, बिग बॉस के आने के बाद इनका धंधा बंद हो सकता है अगर फैजान अंसारी सही निकले तो। लेकिन ऐसा बोला जाता है, ऐसा दिखता है हमें कि फैजान अंसारी हर किसी के नाम से कंप्लेन करते हैं। अब देखते हैं कंप्लेन कितना रंग लाती है और वड़ा पाव गर्ल कितना नुकसान पहुंचता है। लेकिन इसी पर आपका क्या बोलना, मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर पढ़ा ताकि लोगों तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बात तो ऐसी है कि जो अंसारी साहब हैं, इनका ऐसा है कि जहां तक मुझे पता है, हर बिग बॉस में किसी ना किसी से ही अपने ताल्लुकात जोड़ते हैं और मतलब ऐसी चीज करते हैं, हर बार करते हैं, पहली बार नहीं हुआ ये। आप सोच रहे होंगे कि ये पहली बार हो रहा है कि ये बंदा रिपोर्ट करवा रहा है वगैरह, ये हर बार सुर्खियों में आने की कोशिश करते हैं बिग बॉस के वक्त में। तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा पाव खाने से ही तबीयत खराब हो यार, इतने सारे फूड है दुनिया में बिकते हैं, फास्ट फूड ही बिकते हैं, सबसे बड़ी चीज और भी लोग खा रहे हैं ना। हाँ, बहुत लोग खा रहे हैं फास्ट फूड, सिर्फ एक फास्ट फूड के बहाने मतलब इतनी बड़ी कंप्लेंट करना। बिग बॉस जाने के बाद कहा जा रहा है कि भाई इनका धंधा ठप करा देंगे, ये तो मुश्किल है। वो बात वही बोल रहा हूँ, सुर्खियों में आने के लिए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बंदा चाहता है कि अब बिग बॉस है, बिग बॉस पे सब अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो वाली बात है। ये भाई सब चाहते हैं कि हम भी बिग बॉस में आए, हम भी आए। हाँ, वो तो वो वाली चीज है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसे कुछ शानदार वीडियो के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय।